भोपाल में भारतीय जनता पार्टी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जाने का जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। संस्कृति बचाओ मंच ने इसके खिलाफ पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई है। संस्कृति बचाओ मंच ने इसे एक साध्वी और महिला का अपमान कहा है। संस्कृति बचाओ मंच ने यह भी कहा कि यह एक ओछी राजनीति है। एम्स में दिल्ली में इलाज चल रहा है, जिस प्रकार योगी जी ने उनके पिता की अंतरंग और उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए, इसके लिए संस्कृति बचाओ मंच। देखिए, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ लापता होने के जो पोस्टर आज भोपाल में लगाए गए हैं वो एक निंदनीय है और एक अपराध की श्रेणी में आता है। उसके लिए हमने यहाँ पर थाना टीटी नगर में सीएसपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ़ एफआईआर होए और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकलवा कर उन अपराधियों का पता करना चाहिए, क्योंकि सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अभी एम्स में उनका इलाज चल रहा है और उनको बोन कैंसर है, आँखों में इन्फेक्शन है, उसके बावजूद भी वहाँ से उनका पूरा स्टाफ और उनकी पूरी टीम भोपाल की जनता की सेवा कर रही है। प्रतिदिन जो है जो भी कॉल्स आते हैं उन पर हम जैसे उनके प्रतिनिधि के रूप में जाकर सेवा सामग्री, भोजन सामग्री वितरित कर रहे हैं। लगभग 2 महीने तो संस्कृति बचाओ मंच को ही हो गए उनके निर्देश पर कार्य करते हुए। ऐसे में मुझे बताइए कि कांग्रेस के कौन से जनप्रतिनिधि जो है रोड पर आकर काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी आते हैं, 2 दिन फोटो खिंचाते हैं, ना डिस्टेंस का पालन करते हैं और कोरोना और दे के चले जाते हैं। इस प्रकार से द्वेषपूर्ण कार्रवाई उचित नहीं है। राजनीति होनी चाहिए लेकिन इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति नहीं होना चाहिए, इसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी सांसद हमें मिली है, उन पर हमें गर्व है कि वो इतनी बीमार होने के बावजूद भी सेवा कार्य भोपाल की जनता के लिए कर रही हैं। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज, सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज, अंतरराष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा, लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।